हेलो मित्रों, आज हम इस वीडियो में फेरेंटी इफेक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। मित्रों, आज के टॉपिक है व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट, व्हाई फेरेंटी इफेक्ट ओक्योर एंड हाउ टू रिड्यूस फेरेंटी इफेक्ट। मित्रों, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मित्रों, पहले देखते हैं व्हाट इज़ फेरेंटी इफेक्ट। तो मित्रों, उसकी डेफिनेशन है वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज मोर देन सेंडिंग वोल्टेज इज नो एज द फेरेंटी इफेक्ट। मित्रों, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग वोल्टेज के मुकाबले रिसीविंग वोल्टेज ज़्यादा मिलता हो उसे फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। मित्रों, हमने सेंड किए 66 केवी और रिसीविंग सबस्टेशन पर 67 केवी मिल रहे हैं, तो उसे फेरेंटी इफेक्ट के कारण हो रहा है। मित्रों, फेरेंटी इफेक्ट लाइन में चार्जिंग करंट के कारण होती है। जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि एसी पावर अप्लाइड होता है, तब कैपेसिटर में से पसार होने वाले करंट को चार्जिंग करंट कहते हैं। जब चार्जिंग करंट इंक्रीज होता है, तब सेंडिंग एंड के मुकाबले रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। अब मित्रों, आगे देखते हैं व्हाई फेरेंटी इफेक्ट ओक्योर, फेरेंटी इफेक्ट क्यों देखी जाती है। 240 किलोमीटर या उससे अधिक लेंथ की लाइन में कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस होता है। कैपेसिटेंस पूरी लाइन में समान रूप से फैला होता है। जब सेंडिंग एंड पर वोल्टेज अप्लाइड होते हैं, तब लोड के साथ जुड़े करंट के मुकाबले लाइन के कैपेसिटेंस में करंट ज़्यादा पसार होता है। इस तरह कोई लोड या लाइट लोड के बिना रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं सेंडिंग एंड वोल्टेज के मुकाबले। मित्रों, आपने लाइन देखी ही होगी, लाइन कुछ इस तरह पे तरह होती है। दो फेज होते हैं और बीच में एयर होती है। तो मित्रों, आपको पता ही होता होगा कि कैपेसिटर में दो वाहक के बीच एक अवाहक रखा जाता है जिससे कैपेसिटर बनता है। इस तरह देखिए मित्रों, ये लाइन में भी दो फेज है, बीच में एयर होगी, इसलिए एक कैपेसिटर की तरह वर्क करती है। इसलिए मित्रों, लॉन्ग डिस्टेंस की लाइन हो तो इसमें कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, इसलिए सेंडिंग एंड के मुकाबले रिसीविंग एंड पर वोल्टेज ज़्यादा मिलता है कैपेसिटेंस के कारण। मित्रों, आगे देखते हैं हाउ टू रिड्यूस फेरेंटी इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कुछ विशेष वोल्टेज पर काम करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। मित्रों, यदि उसे हाई वोल्टेज मिल रहे हो तो उपकरण खराब हो जाते हैं, और मित्रों, हाई वोल्टेज के कारण उसकी वायरिंग जल जाती है। मित्रों, लो लोड और नो लोड की ट्रांसमिशन लाइन पर फेरेंटी इफेक्ट से रिसीविंग एंड वोल्टेज इंक्रीज हो जाते हैं। मित्रों, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए रिसीविंग एंड पर शंट रिएक्टर लगा के वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं। शंट रिएक्टर इंडक्टिव करंट एलिमेंट है जो लाइन और न्यूट्रल के बीच लगाया जाता है कैपेसिटिव करंट दूर करने के लिए। जब यह इफेक्ट लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हो तो शंट रिएक्टर लाइन के कैपेसिटिव VAR की भरपाई करता है, इसलिए वोल्टेज निर्धारित सीमा के भीतर नियंत्रित किया जाता है। तो मित्रों, शंट रिएक्टर लगा के फेरेंटी इफेक्ट से बचा जा सकता है। मित्रों, इस तरह रिसीविंग एंड पर शंट रिएक्टर लगाया जाता है। तो मित्रों, ये थी फेरेंटी इफेक्ट के बारे में पूरी जानकारी। जो मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।